आमदीनगर हुडको वार्ड 70 में करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। निर्माणाधीन स्टेडियम का कार्य काफी सुस्त गति से किया जा रहा है। हम बता दें कि स्टेडियम में गेट लगाने के लिए 6 फीट गहरा गड्ढा 20 से 25 दिन पूर्व खोदा गया था, जिसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया है, जिसके कारण आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। क्योंकि जहां स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, वहां हर मंगलवार को क्षेत्र का साप्ताहिक बाजार लगता है। निगम की लचरता दर्शाती खबर पेश है ग्रैंड एशियन न्यूज पर। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, जी हाँ, ये कहावत इस खबर में 100% लागू होती है। निगम क्षेत्र हुडको वार्ड 70 में लगभग 2 करोड़ की लागत से स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आनन फानन में इसका शुभारंभ तो कर दिया गया, पर निर्माण कार्य की धीमी गति व निगम के अधिकारियों व ठेकेदारों की लापरवाही यहां साफ उजागर होती दिखाई पड़ रही है। हम बता दें कि स्टेडियम में विशाल गेट लगाने, बड़े बड़े गड्ढे 1 महीना पहले से कर दिए गए हैं। 6 से 7 फीट गहरे इस गड्ढे में आए दिन दुर्घटनाएं होती देखी भी जा रही है। हम बताना चाहेंगे कि हर मंगलवार यहां बाजार भरता है। स्थानीय निवासियों ने बीते दिनों इस गड्ढे में 2 मवेशियों के गिरने की जानकारी दी थी, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद निकाला गया था। वहीं अगर देखा जाए तो आम दिनों में आसपास काफी अंधेरा भी पसरा रहता है, क्योंकि न तो निर्माणाधीन स्टेडियम की लाइट्स जलती है और न ही स्ट्रीट लाइट जला करती है। ऐसे में दुर्घटनाओं का अंदेशा और ज्यादा लोगों को परेशान करने लगा है। स्थानीय लोगों ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम के समक्ष बयां की। 15-20 दिन हो गया गड्ढा खड़े हुए, अभी तो बीम डाला हुआ है। जिस दिन गड्ढा किए उस दिन 2 गैया घुस गई थी, बड़ी मुश्किल से निकली। रात को ये पूरा लाइन जलता है, लाइट ये और वो, 2 लाइट तो जलते ही नहीं, पूरा अंधेरा रहता है। ग्राउंड के चारों तरफ लाइट है, 2 दिन जलता है, 2 दिन नहीं जलता। कंप्लेंट 16377 नगर निगम में कंप्लेंट ऑलरेडी 15-20 दिन से किया हुआ है, ये नंबर से पता कर लीजिए। गड्ढा जल्दी भरे, पहले से मेन जो अंधेरा होता है इसको तो ठीक करो यार। 2 दिन ये 2 पोल का लाइट नहीं जल रहा है और ग्राउंड के अंदर चारों तरफ का लाइट नहीं जल रहा है। हाँ, तो यही आने जाने वालों के लिए परेशानी, कोई बच्चे गिर जाएंगे, बूढ़े गिर जाएंगे, तो बाजार के दिन भीड़ हो जाती है ना, उसमें वो लगेगा। अभी तो गेट लगाएंगे बोल रहे हैं, तो उसको जल्दी से गेट लगा दीजिएगा। इन सब मामलों में जब हमने क्षेत्रीय पार्षद सीजू एंथोनी से चर्चा करनी चाहिए तो पार्षद ने शहर से बाहर होने की बात कही। वही मोबाइल पर चर्चा के दौरान क्षेत्रीय पार्षद ने समस्या का हल कर मंगलवार को वहाँ मार्किंग किए जाने की बातें कही। हेलो, हाँ हाँ, बताएंगे, आप पार्षद हैं वार्ड 70 के, वहाँ पर निर्माणाधीन ग्राउंड में जो 2 गड्ढे बड़े बड़े किए गए हैं गेट निर्माण के लिए, वहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही है। क्षेत्रवासियों ने आज काफी वहाँ पर पहुंचकर वो भी किया है, मांग की उसको ये जल्दी से संधारण की, बताएंगे। अच्छा, वो स्टेडियम बंद है 2 करोड़ का, कंपाउंड वॉल में फेंसिंग भी लग गया, छोटा सा 2 गेट है, 3 गेट है वहाँ सामने में, तो काम भी, जो टावर भी खड़े हो गए हैं, मतलब जो फ्लड लाइट वाला टावर भी होली के एक दिन पहले खड़ा हुआ है। अब 2-3 गेट बचे हैं, बाकी काम कंप्लीशन में है और उसमें पेड़ ब्लॉक भी लगना है। तो सर बताएंगे, अभी कुछ मेरी जैसे 2-4 दिन से काम बंद है, मैं भी देख आता हूँ, जाता हूँ और साथ से जाता हूँ, तो 2-4 दिन से काम बंद है। चाहूंगी, हर मंगलवार को वहाँ बाजार भरता है और आज मंगलवार है, आज भी कोई दुर्घटना की स्थिति वहाँ हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं होगा, तो छोटा सा गड्ढा, कोई बहुत बड़ा गड्ढा नहीं है, जो छोटा गेट रहता है ना एंट्रेंस, छोटा गेट है, बहुत बड़ा गेट नहीं है वो, तो जिन्होंने अपना बताया बोल देंगे, वहाँ पर चूना चूना के लिए बोल देता हूँ, चूना मरवा के थोड़ा कुछ कर देंगे, चूना मार के तो बिक जाएगा लोगों को वहाँ पे। ठीक है ना, देख लीजिए सर, लाइट तो है पूरा वहाँ पे, लाइट जलता है, अच्छा जलता है, लाइट लाइट लगा हुआ पूरा स्ट्रीट लाइट, लाइट में रहता है, चूना मार के बोल देता हूँ वहाँ पे। ठीक है। जिले सहित प्रदेश भर में चल रहे निर्माण कार्यों में, चाहे वो सड़क निर्माण हो या भवन निर्माण हो या अन्य निर्माण हो, लगातार इनमें लापरवाही और लेट लतीफी उजागर होती देखी जा रही है। निगम के अधिकारी कर्मचारी व ठेकेदार के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं इसके। बहरहाल देखना होगा आमदीनगर वार्ड 70 के रहवासी जो इस निर्माणाधीन स्टेडियम के गड्ढे से परेशान हैं, उन्हें कब तक इससे निजात मिल पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।